एपिसोड की शुरुआत 17वीं सदी में इटली के एक जंगल से शुरू होती है, जहां पर जंगल में रात के समय कुछ औरतें एक मरे हुए हिरण के पास खड़ी होती है। ये सभी औरतें असल में विचेस होती है और तभी तेबे नाम की एक विच कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस मरे हुए हिरण का दिल निकाल लेती है, जो कि अभी भी धड़क रहा होता है। और इस जंगल में इस तरह से कुल 13 हिरण को एक ही रात में मारा गया था। जो सब देखकर तेबे कहती है कि जल्दी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब क्योंकि सुबह होने वाली होती है, इसलिए तेबे उन सभी विचेस के साथ जंगल से जाने लगती है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एडी को देखते हैं, जो कि उसी जंगल के पास एक छोटे से गांव में अपने दादी नतालिया और छोटे भाई वैलेंटिन के साथ रहती है। अब यहाँ एडी एक कमरे में होती है, जहाँ एडी की दादी नतालिया एक प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी करवा रही होती है। लेकिन जैसे ही एडी उस प्रेग्नेंट औरत के पेट पर हाथ रखती है, तो उसे पता चलता है कि वो बच्चा मरा हुआ है। अब जब एडी ये बात उस प्रेग्नेंट औरत को बताती है, तो वो गुस्सा होने लगती है और एडी और नतालिया को विच बोलने लगती है, जिससे एडी की दादी नतालिया घबरा जाती है और एडी को जल्दी से लेकर वहां से निकल जाती है। अब घर जाते हुए एडी और नतालिया उसी जंगल से गुजरते हैं, जहां पर एडी को रास्ते में उसी मरे हुए हिरण की लाश दिखाई दी थी। और फिर इसी के साथ यहां भी सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें पियत्रो को दिखाया जाता है, जो उसी गांव का रहने वाला होता है, जो कि एक कॉलेज में विज्ञान का स्टूडेंट है। दरअसल पियत्रो को जादू टोना और विचेस पर विश्वास नहीं होता, बल्कि वो इन सब चीजों को विज्ञान के नजरिए से देखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस प्रेग्नेंट औरत के बच्चे की अब मौत हो चुकी है, जिसके कारण अब सभी लोगों को लगता है कि एडी और नतालिया विच है और इसलिए कुछ बेनेदांते तैयार होकर एडी और उसकी दादी को पकड़ने उनके घर की तरफ जाते हैं। दरअसल बेनेदांते असल में विच हंटर्स होते हैं, जो विचेस को पकड़ते हैं और बाद में उन्हें जिंदा ही जलाकर मार डालते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एडी और नतालिया अपने घर पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचते ही नतालिया सबसे पहले एडी के छोटे भाई वैलेंटिन के पास जाती है, जो कि काफी बीमार होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैलेंटिन ने एक अजीब सी पेंटिंग बनाई होती है और फिर वैलेंटे को दवा पिलाने के बाद एडी नतालिया से सवाल करती है कि कैसे उसे उस बच्चे को, जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ था, उसके मरे हुए होने के बारे में पहले से कैसे पता चल गया। जिसके जवाब में उसे नतालिया बताती है कि एडे में जादुई शक्तियां हैं। और ये कहने के बाद वो एडे को बुक ऑफ किंगडम्स नाम की एक किताब देती है और तभी नतालिया को कुछ महसूस होता है और वो एडे से कहती है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बेनेदांते उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। जिसके बाद नतालिया एडी से वादा लेती है कि उसके बाद एडी वैलेंटिन का ख्याल रखेगी। जिसके बाद नतालिया कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और उस किताब को घर में ही जमीन के नीचे छिपा देती है। फिर तभी नतालिया को बेनेदांते के आने का एहसास हो जाता है और वो जल्दी से अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर एडी को पहनाती है और समझाती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो एडी वैलेंटिन को लेकर जंगल में चली जाए, जहां जंगल के केंद्र में उसे खोया हुआ शहर मिलेगा, जहां वो और वैलेंटिन सुरक्षित रहेंगे और वहां तुम्हें इस किताब के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अब इतना कहकर नतालिया घर से निकल जाती है और जानबूझकर बेनेदांते के सामने आ जाती है, ताकि वो लोग उसे पकड़ ले और एडी और वैलेंटिन बच जाए। अब बेनेदांते नतालिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और एडी और वैलेंटिन घर में छिप जाते हैं। जिसके बाद अब सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और अगली सीन में हमें पियत्रो का दोस्त पीरटो दिखाया जाता है, जो कि पियत्रो के घर में काम करता है और पियत्रो से मिलने उसके कॉलेज आया होता है। यहाँ पर स्पिरिटो पियत्रो को बताता है कि किसी विच के जादू के कारण उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, जिस पर पियत्रो कहता है कि ये किसी विच का काम नहीं है और वो जल्दी बीमारी की दवा लेकर उसकी माँ के पास आएगा, जो सुनकर स्पिरिटो वहाँ से चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ घर में खाने को कुछ ना होने पर एडी बेचारी गांव वालों से अपने छोटे भाई के लिए कुछ खाने को मांगती है, क्योंकि वो बहुत भूखा और बीमार होता है। लेकिन गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते और एडी की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एडी की ग्रैंडमा नतालिया एक विच है
आप घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए आधे घर का कुछ सामान लेकर उसे बेचने के लिए जंगल के रास्ते बाजार जा रही होती है। और तभी जंगल में उसकी मुलाकात पियत्रो से होती है, जो कि अपनी माँ से मिलने अपने घर आ रहा होता है। यहाँ पियत्रो एदी को अपना नाम बताता है और उससे सवाल करता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। इस पर एदी उसे मना करती है और तभी पियत्रो अपने घोड़े से सीधा पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर एदी को थोड़ी हंसी आ जाती है और फिर वो पियत्रो को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है और पियत्रो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब घर जाते ही पियत्रो सबसे पहले सीजारिया से मिलता है। सीजारिया को पियत्रो के पिता सांते ने गोद लिया था जब वो बहुत छोटी थी, और अब सीजारिया सांते के साथ मिलकर विच हंटिंग करती है। अब पियत्रो अपनी माँ से मिलता है और उसे अपनी लाई हुई दवाई देता है, जिससे कि उसकी तबीयत ठीक हो सके। वहीं पर दूसरी तरफ एदी बाजार में पहुंचती है और अपनी एक बास्केट के बदले थोड़ा सा दूध लेती है, लेकिन तभी उसे गांव वाले देख लेते हैं और उसे घेर कर परेशान करने लगते हैं, जिससे एदी के हाथ से दूध नीचे गिर जाता है। पर तभी वहां पियत्रो आ जाता है और एदी को उन लोगों से बचा लेता है। पियत्रो दरअसल बेनेडेटा के लीडर सांटे का बेटा होता है, इसलिए डर के मारे सभी वहां से जाने लगते हैं और एदी भी वहां से चली जाती है। इसके बाद एदी चर्च के फादर से मिलने जाती है, जहां वो चर्च में लगा एक नोटिस पढ़ती है कि कल नतालिया को सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा, जिसे पढ़कर वो काफी भावुक हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए चर्च के फादर से कहने लगती है कि नतालिया निर्दोष है और आप एक निर्दोष को मौत की सजा नहीं दे सकते। पर तभी वहाँ पर पेर्सी पुलिस नाम की एक लड़की आती है, जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में जंगल में विचेस के साथ दिखाई दी थी। पेर्सी पुलिस एदी को समझाती है कि अगर एदी यहाँ से नहीं गई तो ये लोग उसे भी पकड़कर मार देंगे, जिसके बाद एदी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब शाम होने पर एदी अपने घर जंगल से कुछ पत्ते तोड़कर लाती है, जिससे कि उनको उबाल कर वो अपने भाई वैलेंटिन को खिला सके, लेकिन वैलेंटिन यहाँ पर उन पत्तों को फेंक देता है और नतालिया को घर लाने को कहता है, लेकिन एदी उसे समझाती है कि उन्हें वहां से लाना अब नामुमकिन है, जिसके बाद वो नतालिया के लॉकेट को देखने लगती है। दूसरी तरफ पियत्रो अपने पिता सांते के पास जाता है और नतालिया को ना मारने के लिए कहता है, लेकिन इससे सांते गुस्सा हो जाता है और वहां से सीधा चला जाता है। अब यहाँ एदे के घर में रात को सोते हुए एदे को अपने पास्ट का विजन आने लगता है, जिसमें एदे के बचपन में उसकी माँ अंतालिया किसी से छुपते हुए एदे को एक खाली पड़े घर में लाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अंतालिया प्रेग्नेंट होती है और घर से जाते हुए वो एदी से कहती है कि मेरे जाने के बाद इस दरवाजे से जो कोई भी तुम्हारे भाई के साथ आएगा, तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। और इसी के साथ एदी का सपना खत्म हो जाता है। अब अगली सुबह एदी अपने भाई वैलेंटीन के साथ चर्च के सामने पहुंचती है, जहां आज नतालिया को मौत की सजा दी जाएगी। और अब जब नतालिया को बाहर लाया जाता है तो उसे देखकर एदी भावुक हो जाती है और नतालिया को ना मारने के लिए सभी से प्रार्थना करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और नतालिया को चर्च के सामने ही एक लकड़ियों के ढेर में बांध दिया जाता है। यहीं पर भीड़ में हम तेबी, लेप्टिस और जनारा को देखते हैं, जो ये नजारा चुप चुप कर देख रही होती है। अब जैसे ही लोग लकड़ियों में आग लगाने वाले होते हैं, पियत्रो वहां पर आ जाता है और सभी को समझाने लगता है कि बच्चे की मौत दम घुटने के कारण हुई है, इसमें नतालिया की कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और फिर आग लगा दी जाती है, जिससे बेचारी नतालिया जलने लगती है। पर अब ये देखकर टीबी एक मंत्र पढ़ती है, जिससे वहां पर बरसात शुरू हो जाती है और अंत में वो आग भी बुझ जाती है और नतालिया की जान बच जाती है। लेकिन ये सब देखकर सांते अपनी तलवार निकालता है और नतालिया के सीने के पार कर देता है, जिससे आखिर में उनकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर पियत्रो एदी और वैलेंटिन को लेकर वहां से निकल जाता है और एदी को अपना घोड़ा देकर वहां से जाने को कहता है, क्योंकि अब यहाँ एदी की जान को भी खतरा हो सकता है। पर जाने से पहले पियत्रो एदी को जंगल के फाउंटेन के बारे में बताता है और फाउंटेन का रंग लाल होने पर उससे वहां मिलने को कहता है,
और जाते हुए एडी पियेत्रो को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। वहीं दूसरी तरफ मरे हुए बच्चे की माँ सेंटे को बताती है कि विच नतालिया नहीं एडी है। इधर एडी वैलेंटिन के साथ जंगल के केंद्र में पहुंच जाती है, जहां पर उसे पत्थर का एक विशाल सा दरवाजा मिलता है और दरवाजे पर नतालिया का लॉकेट लगाने से वो खुल जाता है, जिसके दूसरी तरफ तेबे दूसरी विचेस के साथ एडी का इंतजार कर रही होती है और वो एडी और वैलेंटिन को लेकर अंदर की तरफ चली जाती है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे अंत हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।